लवली दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में मालिनी ने कर दिया है बहुत ही बड़ा काम। तो दूसरी तरफ इमली देने वाली है अपनी जान। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि आर्यन और इमली दोनों ही होटल पहुंचते हैं, तो पूरा परिवार भी होटल पहुंचता है। डेकोरेशन देखकर अदिति काफी खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो इमली को इन्फॉर्म करना ही एक दूसरे पर डाल रहे होते हैं और किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया होता। लेकिन तभी मालिनी ने पूरी चाल चल दी है और आर्यन को अनु ने कॉल भी कर दिया कि 102 रूम बुक किया गया है। और मालिनी सब घर वालों आकर बताती है कि शायद आप लोगों ने इमली को बुलाया, वो नीचे ही है। जिसके बाद यहाँ पर आदित्य सभी जगह ढूंढते नजर आता है, कभी लिफ्ट में कभी कहाँ, और इमली उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन उसकी आदित्य की नजर इमली पर नहीं पड़ती और इमली एक लेटर लिखकर लिफाफे में वहाँ पर एक वॉचमैन के थ्रू भिजवाती है। लेकिन बीच में देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। आदित्य यहाँ पर इमली से पूछ इमली को ढूंढ रहा होता है और मालिनी बार बार उसको ये बता रही होती है और 102 रूम में उसे भी भेज देती है, जहाँ पर इमली की साड़ी में आग लग जाती है वहाँ पर आग से, और वहाँ पर लाइट भी चली जाती है और ये सब कुछ अनु ने ही करवाया होता है। और आर्यन कॉल करके होटल में इन्फॉर्म करता है, लेकिन तब तक उससे पहले ही इमली की साड़ी में आग लगती है और वो बुझाता है और उसे अपना कोट पहनाता है। इतनी देर में आदित्य वहाँ पर देखता है उन दोनों को साथ में और बहुत शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से ऐसे ही निकल लेता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, वो वापस बात करने के लिए पहुँचता है, लेकिन बीच में ही वो वॉचमैन आता है और उसे लिफाफा पकड़ा देता है और वो डाइवोर्स पेपर्स होते हैं। और दूसरी तरफ ये किसी और ने नहीं, मालिनी ने ही चेंज करवा दी है पैसे देकर और वहाँ पर लेटर की जगह डाइवोर्स पेपर भेज दिए हैं। और देखने को मिलता है कि इमली भी वहीं पहुँच जाती है जहाँ पर आदित्य को ढूंढते ढूंढते जहाँ पर वो सब डेकोरेशन वगैरह हो रहा होता है, एनिवर्सरी की पार्टी चलने वाली होती है, और आदित्य भी पहुँचता है और इमली उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो तलाक के पेपर थमा देता है और वो शॉक्ड हो जाती है और मालिनी ने अपना गेम खेल डाला है। देखने को मिलता है कि इमली बुरी तरह से टूट जाती है और आदित्य कहता है कि तुम हमारी जिंदगी से नहीं, हम तुम्हारी जिंदगी से पहले जाएंगे और तुम्हारे दिल से भी और आई ही कि तो हमारी जिंदगी अब तो तुम खुश हो ना, अब तुम आज़ादी हो। और उसकी आने वाले एपिसोड में देखने को मिला कि इमली बुरी तरह से टूट जाती है और पहाड़ी से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन आकर आर्यन ही उसे बचाएगा और उसे हिम्मत देगा और अपना उसका हाथ थामेगा। तो दूसरी तरफ मालिनी ने अपनी घटिया चाल तो चल ही दी, अब देखते हैं कि क्या सच में इमली और आदित्य का तलाक हो जाता है या नहीं। और दूसरी तरफ आर्यन की मॉम ने तो इमली को अपनी बहू बनाने का भी सोच लिया है, तो वो भी उसे ऐसा ही कहते नजर आए कि आर्यन को इमली के साथ शादी कर लेनी चाहिए। और उसके हाथ में तलाक के पेपर देकर आर्यन भी शॉक्ड होगा और अब देखते हैं कि आर्यन और इमली की जो रिश्ता है वो कैसे जुड़ता है।